नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नाम विपुल पटेल और आप सभी को इस YouTube चैनल पे मैं वेलकम करता हूं। सर, आज हम लोग बात करने वाले सर, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते सर, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे सर। तो वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के लिए बहुत सारे कारण हैं सर, लेकिन हम लोग थोड़े थोड़े करके हम लोग जो भी फेल होने के कारण है उसके बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो बना के जाएंगे सर। जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के लिए आज का जो वीडियो रहेगा सर, वो पार्ट वन यानी पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, यानी ऐसे वीडियो बनते ही जाएंगे सर। यूट्यूब पे तो ऐसा देखा जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई सर, लेकिन मैंने यूट्यूब पे सर्च मार के देखा तो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं ये वीडियो मैंने बहुत कम देखे सर। तो ये वीडियो बनाने का कारण मैं एक ही सर, सक्सेसफुल कैसे बनना है इसके तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन फेल होते कैसे है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर ये चीज़ अगर आपने जान ली तो डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आएगी सर। मेरा काफ़ी समय में नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ और काफ़ी साल का मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैंने शुरुआत किया था नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो समय पे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, मैं काम कर रहा था तब भी लोग काम करते थे और मेरे से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा क्या सर कि जो सक्सेस उसको मिलनी चाहिए वो मिली नहीं सर, और वो लोग फेल हो जाते सर। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हो और मार्केट में आप भी घूम रहे हो सर, फील्ड में आप भी घूम रहे हो, तो आपको भी ऐसे फेलियर लोग मिलते होंगे सर। तो आज हम लोग इसी चीज़ पे बात करेंगे सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते सर, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर ये चीज़ जान लिया सर तो डेफिनेटली आप भी गारंटी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं सर। तो वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आप सभी से मैं बोलना चाहूँगा, अगर ये वीडियो का पहली बार देख रहे सर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर। जी, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर, सामने जो बेल आइकन रहेगा सर उसको क्लिक कीजिए सर, जिससे ऐसे और भी वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे सर। वीडियो को लाइक कर लीजिए सर, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा सर, और भी वीडियो बनाते रहूँगा सर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए सर। तो आइए हम लोग सर वीडियो में आगे बढ़ते सर। सर वैसे मैंने बताया पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के तो बहुत सारे कारण हैं सर, लेकिन मुझे जो लगता है सर वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा सर। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा फेल होने का कारण है सर, मुझे ऐसा लगता है सर, वो है सर खुद का दिमाग इस्तेमाल करना। हाँ जी, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग खुद का दिमाग इस्तेमाल करते सर। अभी आप मुझे बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, मेरे मम्मी पापा बोलते बेटा खुद का दिमाग इस्तेमाल कर, मैं जिस स्कूल में पढ़ाई किया वहाँ के टीचर ने मुझे बोला है कि खुद का दिमाग इस्तेमाल कर, मेरे गांव वालों में मेरे आजू बाजू वाले लोग जितने भी मुझसे मुलाकात करते वो सभी लोग बोलते हैं कि बेटा खुद का दिमाग इस्तेमाल कर। जहाँ जाके मैंने जहाँ पर नौकरी किया वहाँ का जो सेठ था, बॉस था, वो भी बोला कि बेटा अपना दिमाग इस्तेमाल कर। तो बाहर की दुनिया में लोग खुद का दिमाग इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बोला हाँ बाहर की दुनिया और नेटवर्क मार्केटिंग ये दोनों अलग अलग है सर, जमीन आसमान का फर्क है सर। जब मैं फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आया था सर, मैं मेरा खुद का अनुभव आपके साथ में शेयर करूंगा सर। जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तो मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बताया था, बताने के बाद मैंने मेरे खास जो 20 दोस्त थे उनको बिजनेस बताया सर, लेकिन उन्होंने मना कर लिया सर। तो मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने का डिसीजन लिया था सर, क्यों, क्योंकि मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया था सर। तब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला सर कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है सर तो आपका दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमारा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है सर, तो करना क्या है, तो आपको यही करना है सर कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पर आपके एक्टिव अपलाइन रहेंगे सर, ध्यान में रखना सर एक्टिव अपलाइन, बहुत सारे लोग फेलियर अपलाइन भी रहते हैं सर, तो आपको एक्टिव अपलाइन की बातें माननी है सर, वो जैसे ही बोलते हैं सर वैसे आपको करना है।
या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके कोई अपलाइन नहीं है, एक्टिव अपलाइन नहीं है सर, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम बनाया है सर, वो सिस्टम को फॉलो कीजिए सर। ध्यान रखें सर, या तो आप एक्टिव अपलाइन जो बोलते हैं वो कीजिए, या नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत सारे सिस्टम बनाएंगे सर, वो सिस्टम का फॉलो कीजिए सर, डेफिनेटली आप वहाँ पे सक्सेसफुल बनोगे सर। लेकिन ध्यान रखना सर, अपना दिमाग मत इस्तेमाल करना सर। क्यों इस्तेमाल नहीं करना सर? एग्जाम्पल में आप जहाँ पे नौकरी कर रहे थे, और जहाँ पे नौकरी कर रहे थे वहाँ पे आपका पगार था 15,000 रुपया, और आप यहाँ पे आए और आप वही दिमाग लगा रहे हो सर, तो ये हो सकता है यहाँ पे 15,000 ही कमा पाओगे, क्योंकि आप 1,00,000 रुपये कैसे कमाना है, 10,00,000 कैसे कमाना है, करोड़ों कैसे कमाना है, उसका दिमाग आपके पास नहीं सर। जिन्होंने ये बिजनेस में 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे सर, सक्सेस पे सक्सेस ले रहे सर, बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं सर, अगर आपको उनकी तरह बनना है सर, तो उनका दिमाग भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सर, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है सर। तो ध्यान में रखना है सर, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल इसलिए होते हैं सर कि अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से इस नेटवर्क मार्केटिंग में वो फेल हो जाता है सर। तो अपना दिमाग ना लगा के आपको एक्टिव अपलाइन का दिमाग इस्तेमाल करना है, या तो फिर आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है सर, वो सिस्टम को आप फॉलो कीजिए सर, 100% आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनोगे सर। तो आज का जो वीडियो सर मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है सर, वीडियो अच्छा लगा सर तो वीडियो को लाइक कर लीजिए सर, चैनल पे पहली बार आए सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर, सामने जो बेल आइकन है सर उसको क्लिक कर लीजिए सर, जिससे ऐसे और भी वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे सर। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।